दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग मार्केट के ऊपर भी एक नजर डालेंगे, साथ ही साथ हम लोग एक एयर ड्रॉप ज्वाइन करेंगे जो कि पोलका डॉट के ऊपर बना हुआ है, और साथ ही साथ एनएफटी का एयर ड्रॉप है। तो प्रॉबेबली अगर आप लोगों को ये एयर ड्रॉप मिल जाता है तो आप लोग कुछ ना कुछ फायदा उठा सकते हो। ये बेसिकली इसका नाम है रेक्सो वेस्ट के नाम से, और इसका एयर ड्रॉप जो है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 5 मई को जाके खत्म हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली इस फॉर्म का लिंक शेयर कर लूंगा, ये इसका मुकम्मल फॉर्म है। तो इसको ज्वाइनिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर टेलीग्राम का यूजर नेम, उसके बाद ट्विटर का अपना प्रोफाइल लिंक, और उसके बाद अपना कमेंट का लिंक, उसके बाद अपना पर्सनल माई इथर वॉलेट का एड्रेस, और उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि भाई आप हमारे प्रोजेक्ट को कैसे फायदा दे सकते हो। भाई खरीद के इन्वेस्टर, ठीक है ना, इन्वेस्टर या सपोर्टर कुछ भी लिखो, और लिखने के बाद इसको सबमिट कर दो तो प्रॉबेबली यू विल गेट दिस एयर ड्रॉप। ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से आके अगर आप देखो इनिशियल लिक्विडिटी वगैरह और उसके अलावा प्राइस वगैरह कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सारा कुछ, तो उस लिहाज से लग रहा है कि हाँ भाई प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ फायदा देगा। तो काइंडली आप लोग इसमें एंट्री ले लीजिएगा, अगर आप लोगों को बेहतर लगे तो एयर ड्रॉप ज्वाइन करके आप इसमें एंट्री ले लीजिएगा, तो प्रॉबेबली यू विल गेट समथिंग अगर आप लोगों को एयर ड्रॉप मिलता है तो। खैर तो अब हम लोग मार्केट की जानिब आते हैं। मार्केट में आज यार जो जरूरी जरूरी बातें करनी है ना, सबसे पहली चीज ये कि मैं आप लोगों के साथ कुछ वो वाले कॉइन्स शेयर करूंगा जिसमें आप लोग अगर अभी एंट्री ले लेते हो तो आप लोगों को फायदा होगा, मार्केट के कॉइन्स है। मगर उससे पहले हम लोग बात ये करते हैं कि आजकल ये मीम कॉइन्स का टाइम चल रहा है यार, हो क्या रहा है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बात समझाता हूं, ये बात मेरा ख्याल है कार्डानो वाले जो भाई थे ना, उन्होंने भी नहीं सोची होगी कि यार हुआ क्या हमारे साथ। देखो कार्डानो जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, एक्सआरपी हम सारों को पता है कि भाई ये अपना मोड ऑफ पेमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। बाइनेंस कॉइन को खैर निकाल दूं तो एक एक्सचेंज कॉइन है। खैर ओवरऑल इसको क्या हो गया भाई डॉज कॉइन को, डॉज कॉइन कैसे आ गया, तो मीम कॉइन था। अब रियलिटी क्या है कि इसको देखा देखी, ये डॉज कॉइन के देखा देखी हो क्या रहा है इस वक्त हर एक चीज पे, मतलब ये मैं बात कर रहा हूं दोनों की, बीएससी स्कैन की भी, ईथर स्कैन की भी, और मजे की बात है हीकोफाई चेन की भी। हीकोफाई ये जो एचटी चेन नहीं, एमडेक्स एक्सचेंज वगैरह का, इन तीनों पे एक ही काम हो रहा है कि इस वक्त मीम कॉइन्स की भरमार है। अब मीम कॉइन्स के ऊपर अगर हम जाते हैं तो हम चलो यार ये भी देखते हैं, एक सेफ मून साहब जो है इसने बहुत पंप मारा है। इसने सीधी बात है डॉज कॉइन के बाद अगर कोई मीम कॉइन सही चला ना तो उसका नाम है भाई सेफ मून, ठीक है। सेफ मून ने पंप मारा है, उसकी वजह से लोगों का जो है ना और ज्यादा रुझान जो है बढ़ गया है, वो सारा का सारा आ चुका है अपना मीम कॉइन्स के ऊपर। खैर इसी लिहाज से मैं भी आज दो मीम कॉइन्स आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, मगर उससे पहले मैं आप लोगों के साथ वो कॉइन्स शेयर करता हूं जो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। अच्छा इसमें मैं अब अपनी पुरानी पिक्स जो है उन्हीं को मैं अभी तक साथ लेके चल रहा हूं। एक है जी पोलका जैक। अच्छा पोलका जैक से मुराद अपना जेड सी के है, इस वक्त ये मौजूद है जी बिटमार्ट एक्सचेंज पे और यूनिस्वैप पे, मेरा ख्याल पहले बिलेक्सी पे भी था आई थिंक सो, खैर मेरा अपना ख्याल है, मुझे चेक नहीं याद, मेरा ख्याल है कि ये पहले बिलेक्सी एक्सचेंज के ऊपर भी था कॉइन। एनीवेज अच्छा अब इस लिहाज से मैं आपको ना इसकी दो तीन रीजंस बताता हूँ। मैं इनको ना काफी जरा फॉलो कर रहा हूँ आजकल ना, मैं जरा थोड़ा सा थोड़ी सी स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा इसमें दो तीन चीजें हैं, इसमें दो तीन चीजें क्या है उसको जरा समझने की कोशिश करना अपना जेड सी के की। अपना पिछले दिनों में ना एक वेबसाइट है वो क्या कहते हैं बताती है कि भाई कौन से पोलका डॉट के बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। अब उन्होंने वहां पे क्या किया, पोलका स्टार्टर को लिखा, उसके अलावा पीबीआर, अगर आप लोगों को याद हो मैंने पीबीआर आप लोगों को कहा था कि भाई बाय करो पीबीआर, ठीक है। किधर गया जी, ये आ गया जी पोलका ब्रिज। अच्छा डीबीसी के वाले से भी आज हमने बात करनी, मैं पहले ओपन करके रखा हुआ इसको। खैर तो पोलका ब्रिज, ठीक है पोलका ब्रिज में इस वक्त एंट्री लेने का टाइम है। अच्छा खैर बात ही हो रही थी अपना अपना जेड सी के की, मैं बात को थोड़ा ज्यादा खींच गया अपना उस वाले प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ कि मैं इसको मुकम्मल स्टडी कर रहा था पोलका जेक को ही, तो मीन वाइल मैं इनकी उस ट्वीट के ऊपर पहुंचा और साथ ही साथ मैंने इनकी वेबसाइट के ऊपर जो साथ कमेंट सेक्शन था वहां पर मैंने वो उस ब्लॉग में सारी डिटेल पढ़ी, तो उसमें स्पेशली भाई ये अपने आप को मेंशन कर रहे थे कि भाई इस वक्त पोलका डॉट के ऊपर सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है पोलका डॉट के बाद हम लोग हैं, यानी कि अपना जेड सी के हैं। तो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, एटलीस्ट मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, POLS यानी कि पोलका स्टार्टर जिसकी प्राइस में कोई 3.10 के करीब करीब है, तो उसके करीब करीब जाने के इसके चांसेस हैं। तो पोलका जेक विल बी अ ह्यूज पिक फॉर यू मेरे अंदाजे के मुताबिक। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको लास्ट में बाय करो, बट इट विल बी अ गुड कॉइन अगर आप लोग इसको भी होल्ड करते हो। खैर उसके अलावा पीबीआर में भी एंट्री लेने का ये एग्जैक्ट टाइम है क्योंकि इस वक्त कॉइन्स नीचे गिर रहे हैं, मजे की बात यह है।
तो पीबीआर में भी आप लोग एंट्री ले सकते हो। पीबीआर की प्राइस इस वक्त 0.33 है, और मजे की बात यह है कि इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है उसको बदल के रख दिया। और अच्छी बात, इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है पीबीआर की कि यार पीबीआर जो है ये इस वक्त जो है अभी इनकी स्टेकिंग वगैरह जो है थी वो स्टार्ट हुई थी, अब इन्होंने सेम वही काम करना है जो कि पोल का स्टार्टर कर रहा है, यानी कि इनके ऊपर भी जाके आइडियोज वगैरह इनके मुकम्मल लॉन्च होंगे, तो इट विल बी अ गुड पिक पीबीआर। ये आप लोगों को एमएक्सी के ऊपर gate.io बिलेक्सी, और आप इसका एक और मजे की बात बताता हूँ, बल्कि चलो पीबीआर की ना, पीबीआर में एंट्री का ये फायदा होगा कि पीबीआर ने सेम टू सेम वही वाला पैटर्न फॉलो करना है जो पैटर्न आपके POLS यानी कि पोल का स्टार्टर कॉइन ने फॉलो किया, तो उस लिहाज से ये अच्छी पिक बन सकती है। 0.33 इज द टाइम, मतलब स्टिल इट्स द टाइम फॉर द एंट्री, ताकि अगर अभी भी आप लोग अगर एंट्री ले लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ज्यादा नहीं कहता, चलो यार कोई $200 से अगर आप एंट्री मार लेते हो, 602 कॉइंस भी बन जाते हैं, तो $3-4 तक ये जा सकता है, तो आप लोग यहाँ से 1800-2000 आराम से निकाल सकते हो। मगर फिर मैं कहूंगा मेरे कहने पर कॉइन बाय मत करो, आके पहले खुद स्टडी करो, अगर अच्छा लगे फिर जरूर बाय कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये जो DBC के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था दोस्तों, इसका अब क्या है कि मैं इसको देख रहा था काफी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे आ चुका है, वॉल्यूम इस वक्त ना होने के बराबर है, और मजे की चीज ये है कि न्यू कॉइन्स जो है ना, न्यू बेस्ड कॉइन्स जो है, न्यू ट्रैकर कॉइन्स जो है, वो ज्यादा अभी तक पंप नहीं किए मार्केट में, और अब इनका टाइम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। न्यू कॉइन्स के जितने भी ये छोटे 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 अपना चिद्दी मिद्दी कॉइन्स है, इन्होंने डेफिनेटली पंप मारना ही मारना है, तो ये एक अच्छी पिक हो सकती है। 0.0133 पे अगर आप लोग एंट्री मार लेते हो DBC में, तो इट विल बी अ ह्यूज पिक फॉर यू, और उम्मीद कर सकते हैं कि 2021 में या चलो 2022 के स्टार्ट तक, ठीक है, ये कॉइन आपको अच्छा खासा फायदा देके जा सकता है अगर आप लोग इसमें अभी के भी एंट्री मार लेते हो तो DBC कॉइन में। खैर उसके अलावा जी, एक और जो अपना अपना चिद्दी विद्दी कॉइन था वो अपना था अपना SHIB, अपना शिबा इनू, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, ये आपके सामने इसको बल्कि मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा इस वक्त नीचे गिरा हुआ है, और ये एक ह्यूज पिक बन सकती है क्योंकि वॉल्यूम इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और उम्मीद की जा सकती है कि ये भी एक टक्कर दे सकता है डॉज कॉइन तक को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी लिस्ट कर चुके हैं, और अभी कुछ बड़ी एक्सचेंजेस का नाम भी इनके जो अपने ग्रुप्स हैं वहाँ पे ये ले रहे हैं, तो प्रॉबेबली इट विल बी अ गुड पिक फॉर यू शिबा इनू। और मैं फिर कहूंगा कि इसमें अभी के अभी एंट्री ले लीजिएगा, इसमें मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूं, मतलब गारंटी से मुराद ये नहीं कि यार कि हाँ भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मगर हाँ इसमें फायदा होगा आपको, ये कॉइन एक अच्छा कॉइन नजर भी आ रहा है और होगा भी इन नियर फ्यूचर। खैर आज के हमारे दो कॉइन जो है BSC स्कैन के लूनर एक्लिप्स के नाम से है, पहला कॉइन LECL, मैंने आपको कहा था आज मैं मीम कॉइन्स लेकर आऊंगा, तो ये मीम कॉइन ही है एक बहुत ज्यादा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री लेनी भी है तो यार $8-10 से ले लो, इससे ज़्यादा एंट्री लेने की जरूरत कोई नहीं है। उसके अलावा दूसरा कॉइन जो है जी SSN के नाम से है, दूसरी एंट्री आपने लेनी है इसमें SSN में, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्कशन ग्रुप में व्हाट्सएप के, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में, तो लाजमी इन दोनों में एंट्री ले लीजिएगा SSN में और साथ ही साथ LECL में। और मैं फिर बता दूं BSC स्कैन कॉइन्स में $8-10 से ज्यादा आप लोगों ने नहीं लगाने, सिर्फ $8-10 लगाओ, उसके बाद प्रॉबेबली आप लोगों को वहां से ही कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा, बहुत शुक्रिया।